दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सब जानते हैं कि वह जमाना अब गया जब महिलाएं केवल घर और बच्चे संभालती थी। अब नया जमाना है, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, पैसा भी कमा रही है, पैसा बचा भी रही है और अपना पैसा एफडी, आरडी, सोना, जमीन, म्यूचुअल फंड, स्टॉक जैसे अलग अलग निवेश साधनों में निवेश भी कर रही है। तो पैसे कमाने वाली महिलाएं अपना पैसा कहां कहां निवेश करना पसंद करती हैं, कर्ज लेना कितना पसंद करती हैं, इसके अलावा भुगतान के अलग अलग साधनों जैसे कि नगद, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड में से महिलाओं को क्या इस्तेमाल करना पसंद है, इन सब को लेकर एक निजी सर्वे सामने आया है। तो ये सर्वे क्या कहता है हम इस एपिसोड में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कामकाजी महिलाओं द्वारा अलग अलग निवेश साधनों में पैसा निवेश करने से जुड़े निजी सर्वे की। तो डीबीएस बैंक इंडिया और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने संयुक्त अध्ययन में पाया है कि 51% कामकाजी महिलाएं कम जोखिम वाले निवेश प्रोडक्ट बैंक एफडी और बचत खाते में पैसा रखती हैं। 16% कामकाजी महिलाएं सोने में पैसा निवेश करती हैं। 15% म्यूचुअल फंड्स में, 10% रियल एस्टेट में, जबकि केवल 7% स्टॉक्स में निवेश करती हैं महिलाएं। यानी कामकाजी महिलाओं के लिए अपने पैसों की सुरक्षा सबसे पहले पायदान पर है, जबकि जोखिम वाले निवेश प्रोडक्ट में फूंक फूंक कर कदम उठाती हैं महिलाएं, खास करके पैसे कमाने वाली महिलाएं, कामकाजी महिलाएं। यह विस्तृत सर्वे भारत के 10 शहरों में 800 से अधिक महिलाओं का वित्तीय निर्णय लेने में उनकी भागीदारी, लक्ष्य निर्धारण, बचत और निवेश पैटर्न, डिजिटल उपकरणों को अपनाने के साथ साथ अलग अलग बैंकिंग उत्पादों के लिए उनकी प्राथमिकताओं सहित व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। डीबीएस बैंक इंडिया के ग्राहक अंतर्दृष्टि से पता चला है कि 10% महिला ग्राहकों के पास सक्रिय सावधि जमा है, जबकि केवल 5% पुरुष ग्राहकों ने एफडी खोली है। महिलाओं के निवेश व्यवहार में आश्रितों की मौजूदगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासकर आश्रितों वाली 43% विवाहित महिलाएं रूढ़िवादी रूप से अपनी आय का 10-29% निवेश के लिए पैसा आवंटित करती हैं, जबकि इसके विपरीत बिना आश्रितों वाली 1/4 विवाहित महिलाएं अपनी आय का आधे से अधिक पैसा को निवेश करना पसंद करती हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के मामले में हैदराबाद और मुंबई सबसे आगे है। मुंबई में 96% महिलाएं क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं, जबकि कोलकाता में केवल 63% महिलाएं इसका इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। लगभग 18% कामकाजी महिलाएं विश्वास के मुद्दों और अधिक खर्च को अपनी शीर्ष चिंता बताते हुए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करती हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान प्रबंधित करने में कठिनाई, छिपी हुई फीस के बारे में चिंताएं और नकद लेन देन के लिए उच्च प्राथमिकता क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले कुछ दूसरे कारक हैं। इन कारणों से महिलाएं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हैं। केवल 14% शहरी महिलाएं नकद लेन देन का विकल्प चुनती हैं, शेष डिजिटल को पसंद करती हैं। 29% यूपीआई को प्राथमिकता देती हैं, 16% मोबाइल बैंकिंग, 13% क्रेडिट कार्ड और 11% नेट बैंकिंग को प्राथमिकता देती हैं। इसके उलट डेबिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट से भुगतान पसंद करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, नाम मात्र की है। आधी वेतनभोगी महिलाओं ने कहा है कि उन्होंने कभी कर्ज नहीं लिया है। जिन लोगों ने उधार लिया है उनमें से अधिकांश ने होम लोन का विकल्प चुना है। यानी लोन लेने के मामले में महिलाएं काफी जागरूक हैं, काफी सतर्क हैं। वेतनभोगी महिलाओं में 55% ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत बचत या उच्च ब्याज दरों और कठोर पुनर्भुगतान शर्तों को कर्ज न लेने के प्रमुख कारणों के रूप में बताया है। यानी 3 कारणों से ज्यादातर वेतनभोगी महिलाएं लोन लेना पसंद नहीं करती हैं। पहला कारण, वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त बचत को जरूरी मानना। दूसरा, लोन का महंगा होना। और तीसरा, लोन चुकाने की कठोर पुनर्भुगतान शर्त होना। बैंक खाते के स्वामित्व के मामले में शहरी महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों को समान प्राथमिकता देती हैं। यानी महिलाएं प्राइवेट बैंक पसंद करती हैं या सरकारी बैंक पसंद करती हैं, इसको लेकर के भी सर्वे सामने आया है। पूर्वी भारत का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाने वाला कोलकाता अपवाद बना हुआ है, जहां 95% महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता देती हैं। यह चुनाव इन संस्थाओं में उनके लंबे समय से चले आ रहे भरोसे से जुड़ा है।
दक्षिण भारत में कोयम्बटूर और हैदराबाद में 40% से अधिक महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पसंद करती हैं, जबकि बेंगलुरु और चेन्नई में 30% से कम महिलाएं ऐसा करती हैं। इसके अलावा 75% महिलाओं के लिए ईमेल, व्हाट्सएप और SMS दैनिक आधार पर बैंकों के साथ बातचीत करने के सबसे पसंदीदा साधन है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप महिला निवेशक हैं, कामकाजी हैं, पैसे कमाती हैं, तो आप किन साधनों में निवेश करना पसंद करती हैं, किन बैंकों में खाता खुलवाना या FD करवाना पसंद करती हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।